विजय जी, अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अब जो महेश जी की बातों से समझ में आया है कि सरकार अपने फैसले पर अडिग है, अगर क्या करेंगे अब आगे? हम लोगों ने रामलीला मैदान में कल ही हमने निर्णय किया है, हमारी पूरी टीम ने निर्णय किया है कि हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाएंगे। हमारी बात पुरानी पेंशन की जो करेगा, हम उसके साथ होंगे। पुरानी पेंशन अगर आज सरकार जो वर्तमान में दे देती है तो हम उसका धन्यवाद, उसका स्वागत करेंगे। हमें चाहिए पेंशन, वो कांग्रेस दे या भाजपा दे, मुझे उससे मतलब नहीं। हमारा हक मुझे मिलना चाहिए। ये अभियान पूरे देश में, अभी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है, उसमें वोट फॉर ओपीएस चलेगा। देश के जो चुनाव होंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो उस पर वोट फॉर ओपीएस चलाएगा। और मेरा हक है, मैं जिससे पीड़ित हूं हम वोट उसी पर दूंगा। एक नौजवान किस लिए वोट करेगा? रोजगार के लिए। एक किसान किस लिए वोट करेगा? अपने खेती के लिए। एक पेंशन भीन किस लिए वोट करेगा? वो अपनी पेंशन के लिए करेगा। और ये अभियान पूरे देश में चलेगा। और एक चीज बड़ी निवेदन चाहता हूं, हम एनपीएस के 1 करोड़ लोग हैं, हमारे घर में 5 करोड़ हुए और 5 करोड़ वोट ओपीएस के पक्ष में पड़ेंगे। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं क्या सर? क्या चुनाव ब्लैकमेलिंग? राजनेता घोषणा पत्र जारी करता तो ब्लैकमेलिंग क्या हो? क्योंकि अगर वोट नहीं, चुनाव एक मिनट रुकिए, एक बात सुन लीजिए मैडम आप बहुत अच्छी। क्या चुनाव घोषणा पत्र ब्लैकमेलिंग है? चुनाव के समय घोषणा पत्र जो राजनीतिक दल चाहे जो दल हो, अच्छा सवाल है क्या वो ब्लैकमेलिंग? मुझे अच्छा लगा आपका सवाल, वो ब्लैकमेलिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो काउंटर में आती है ना चीजें, सवाल का जवाब भी सवाल होने चाहिए, अच्छी बात है। इसका मतलब कि लोग अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए। तो फिर तो महेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, अगर उनका और उनका कहना और उनके टाइमिंग, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थन से किसी तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो आपके तो मैनिफेस्टो पे ही सवाल है। मैं तो स्वामीनाथन जी का एक एग्जांपल दे रही थी। देखिए, बिपिन विजय जी का विरोध करने का अधिकार है और वो विरोध हमारा करें, ठीक है, हम उनकी इस बात को कहीं किसी चीज से मना नहीं कर रहे हैं। विरोध करने का उनको संविधान अधिकार देता है, करें ना, लेकिन हम उनके लिए अच्छा करेंगे, ये हम उनको इंश्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। एक बात, दूसरा कि वो कह रहे हैं ना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो विजय जी आने वाले विधानसभा में आप राज्य सरकार के साथ गहमा गहमी कीजिए, केंद्र सरकार से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस अभियान को उस राज्य सरकार के, राज्य सरकार के आप घर पे जाइए और उनसे कहिए कि भाई हम आए हैं आपसे ओपीएस मंगवाने, अपने मैनिफेस्टो में डालिए, जो पार्टियां मैनिफेस्टो में डाले उनसे कहिए कि लागू करे। और विजय जी एक चीज मैं और आपको जल्दी से शॉर्ट में मुझे वाइंड अप करना है, हाँ, कि अगर ये लागू होता है तो लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-3 साल तक पेंशन ना मिले और ये आंदोलनकारी नेता अपने घर पे बैठे रहे।